देखिए टेस्ट टेस्ट वाले प्रोडक्ट का इम्प्लांट ठीक है, इससे पहले हमने टेस्ट टेस्ट वाले प्रोडक्ट का फीचर देखे थे, बड़ी फॉर्मेशन देखे थे, फोर फॉर्मेशन देखे थे और क्या देखे थे उनका, इसके बाद हम देखे थे कैसे उनका प्रेजेंटेशन होता है ठीक है। वही अगर एक अगर हम ब्रांड की बात करते हैं तो बेटा उसमें सबसे पहला टॉपिक होता है एकोमिक्सिस। एकोमिक्सिस क्या होता है कि प्रोडक्शन प्लांट स्पेशली हमारी एक एग्रोस्टल भी होता है ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है कि एकोमिक्सिस में डिपेंडेंट बाय स्विच कितने होता है एकोमिक्सिस भी द्वारा होता है ठीक है। एक एग्रोस्टल में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइजेशन सोयल, ये इसका जो एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है। देन इसका सेकेंड क्या होता है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, क्या होता है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, इनमें क्या होता है एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड सेल फ्रॉम न्यू सेल, डिप्लॉय मतलब होता है टू मिलियन सेल से आपके कितना होता है न्यू सेल बनाते हैं, न्यू सेल में रिप्रेजेंट होता है न्यू सेल प्रेजेंट इन सिस्टर प्लांट, आपके जितने भी सिस्टर प्लांट होते हैं ठीक है जिसमें ठीक बेटा। तो इसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लांट की बातें कर रहे थे ठीक बेटा। अब क्या देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लांट में हमने आपको एटोमिक्सिस के बारे में डिस्क्राइब कर दिया था। इसके बाद जो आप बता रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन ठीक बेटा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि हम देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो वैसे ही इसमें सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है ठीक है। तो हम प्लांट में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसके द्वारा हम खुद न्यू प्लांट को क्या करते हैं हम ग्रो कर लेते हैं। जैसे आपने रोज देखा होगा ठीक है, रोज को क्या करते हैं हम स्टेम में भी आता है वो ठीक है। रोज में क्या करते हैं हम उसके स्टेम को कट किया और उसके बाद क्या किया उसको हम डिस्प्ले पे लगाया तो वो क्या हो जाएगा ग्रो हो जाएगा ठीक है। तो कहने का मतलब रूट से भी लगा सकते हैं, स्टेम से भी हम एक नए प्लांट को क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं। कुछ एरियल रूट्स होते हैं, कुछ लीव्स होते हैं, कुछ बुलबिल्स होते हैं ठीक है। तो कहते हैं बहुत ही स्टेप होते हैं जिसके द्वारा हम नए प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही देखा जाए तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रूट्स की ठीक है। तो रूट्स के आपसे एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, बेटा मैंने बताया था कि ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है। स्वीट पोटैटो डहेलिया ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में पूछा गया है ठीक है, 3-4 टाइम पूछा गया है। स्वीट पोटैटो भी पूछा गया है ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेप और दूसरा होता है क्रीपिंग स्टेप। आपने देखा होगा कुछ पार्ट को हम अंडरग्राउंड स्टेप से देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पोटैटो को ग्रो करना होता है तो क्या कर लेते हैं पोटैटो को ऐसे ही अगर हम अंडरग्राउंड स्टेप में डाल देते हैं मतलब सोयल में डाल देते हैं तो उसके बाद एक नया पोटैटो का प्लांट ग्रो हो जाता है ठीक है। तो फॉर इसको पार्ट में क्या कहेंगे इसको स्टेम ट्यूबर, अगर स्टेम ट्यूबर से कौन सा जनरेट करता है पोटैटो ट्यूबर करता है ठीक है। ये स्टेम कहेंगे तो स्टेम के पार्ट को हमने कितने का जनरेट कर क्या स्टेम ट्यूबर बल्क कॉर्न राइजोम एंड शकर ठीक है, इसको हम बोलते हैं गेमिकन ठीक है। तो इससे पोटैटो हो गया,
ठीक है, आपका बल्ब होता है जिसका आपने स्टेम देखा हो जिसका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने गार्लिक देखा है ठीक है, गार्लिक देखा, इसके बाद ओनियन देखा, ओनियन का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है, देन ये ठीक है, ये आप कैसे दिखते हैं, ये मान लीजिए ओनियन है ठीक है, ओनियन के फिगर में देखिए ऐसे ये आपके रूट्स होते हैं ठीक है, तो ये आपके कैसे दिखाते हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है बेटा, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, अगर कोई भी स्टेम आपको देखिए तो कौन से इसमें आ जाएगा लाइक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे आपके गार्लिक भी होता है ठीक है, बस उसमें सेक्शन कटे होते हैं, गार्लिक भी होते हैं बीच बीच में आप उसको ठीक है। अब अगर बेटा कॉर्न, कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जेमिकल, जेमिकल बेटा बहुत बार पूछा जा चुका है ठीक है, ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है ठीक है, जेमिकल किसके रिलेटेड है, तो ये स्ट्रक्चर का कॉर्न पार्ट है ठीक है। इसके बाद होता है राइजोम्स ठीक है, एक तो सारे के सारे स्टेम कैसे होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि क्लास के अंडरग्राउंड होते हैं ठीक है। देन राइजोम है, राइजोम को अगर ग्रो करना होगा आपका बनाना है, बनाना देन आपका मतलब टर्मेरिक, टर्मेरिक ग्रो करने के लिए हमारे राइजोम रिक्वायरमेंट, तो राइजोम अगर मिल जाए तो हम एक नया टर्मेरिक या बनाना को ग्रो कर सकते हैं ठीक है। कहने के ऐसा प्लांट जिनमें राइजोम राइजोम हो ठीक है, रूट लाइक हेयर रेट लाइक स्ट्रक्चर हो उसके बाद हम उसको ग्रो कर सकते हैं ठीक है। देन आपका तो सकर, सकर लाइक स्ट्रक्चर, देन इसका एग्जांपल सीमेंट है बेटा, ये भी आपके एग्जांपल में पूछा गया है ठीक है, कि सकर के एग्जांपल आपको ऑप्शन दे देगा, सकर के एग्जांपल दे देगा आपको ढूंढना रहेगा ठीक है, तो दिन आप एडमिट आ जाएगा ठीक है बेटा। अब क्रीपिंग स्टेम कैसे होता है, ये तो आपका अंडरग्राउंड स्टेम समझ में आ गया कि जो स्वर्ग के नीचे होता है, लेकिन क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब होता है ऐसे स्टेम जो क्रीप करते हो, कहने का मतलब जैसे जैसे देख लीजिए या फिर सॉइल है ठीक है, सर सॉइल के नीचे आपके ये क्या होते हैं रूट जनरेट होते हैं ठीक है, रूट से ऊपर अगर फूड सिस्टम पे आपके लीव्स होते हैं ठीक है, इसके बाद फूड सिस्टम कहने का मतलब इसी प्लांट पे ही एक नया फूड निकले, एक नया फूड निकले मतलब नया स्टेम, देन इसके बाद यहाँ से फिर एक रूट का स्टेम, देन आपके बाद ठीक है, तो ये आपके क्या होता है बेटा क्रीपिंग, क्रीपिंग करने में जो क्रीप कर रहे हैं ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट से इसी पार्ट से ही बना हुआ है ठीक है, कहने का मतलब है एक प्लांट ग्रो हुआ इसके बाद इसी के फूड सिस्टम से जाकर के नए सॉइल से एक नया प्लांट ग्रो हो गया ठीक है बेटा। ये इसको हम बोलते हैं साइनोडॉन, जिसको बोलते हैं धूप घास या धूप ग्रास ठीक है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपका किसके रनर का है, क्या बताएगा रनर मतलब अपने स्टेम को मॉडिफाई करता हुआ जा रहा है ठीक है, एक से एक नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए देखो, जब ये आपकी जो ग्रास होते हैं ना इसको आगे निकालते जाओगे तो दूर तक जाता रहता है ना, एक तरफ से खींच जाता है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के बाद होता है स्टोलन, इसका क्या होता है स्टोलन, स्टोलन में आपका आ जाएगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखा होगा तो उसके जो पार्मेलिसिस होता है उसमें क्या होता है बेटा क्रीपिंग सिस्टम होता है, इसमें आपका स्ट्रॉबेरी का भी प्लांट अगर देखा होगा तो इसमें भी क्रीपिंग सिस्टम होता है, इसी टाइप में होंगे ठीक है। तो ये एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी का पूछा गया है ठीक है। देन आपका ऑफसेट आता है, ऑफसेट में बेटा आता है ऑफसेट मतलब होता है ये आपके अंडरग्राउंड वाटर में होते हैं, क्रीपिंग सिस्टम होता है कैसा होता है अंडरग्राउंड, इसका एग्जाम्पल होता है आइकॉर्निया, आइकॉर्निया ठीक है, आइकॉर्निया इसके बाद होता है क्रेसिपा, आइकॉर्निया क्रेसिपा इसे कहते हैं जलकुंभी, इसे कहते हैं बेटा ठीक है। तो ये ऑफसेट फॉर्मेशन करता है, इसमें भी ऐसा फॉर्मेशन होता है ठीक है, कि आपके अंडरग्राउंड वाटर से ऐसा तो है नीचे आपके जो रूट्स होते हैं और उसके बाद वाटर के ऊपर ऐसे फैला रहता है ठीक है। और इसके बाद जिस दिन किसी के कारण ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रीपिंग स्टेम के बाद आता है एरियल सूट, बेटा एरियल सूट में आपका होता है फॉर एग्जाम्पल अपोन्सिया, ये एरियल सूट में अपोन्सिया तो आपका इम्पोर्टेंट है जो कि आपको फाइलोफाइड स्ट्रक्चर होता है ठीक है, फाइलोफाइड स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा इनमें छोटे ये कहाँ पर डिजर्ट प्लांट्स होते हैं ठीक है, इसमें एरियल सूट होता है फॉर एग्जाम्पल अपोन्सिया ठीक है बेटा। अब कुछ लीव्स भी हम क्या कर सकते हैं, लीफ में भी कुछ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रायफ्लम, ड्रायफ्लम आपको बहुत बार पूछा गया कम से कम 10-15 टाइम्स एमसीक्यू ठीक है बेटा, एमसीक्यू में पूछा गया ड्रायफ्लम, देन आपका बिगोनिया होता है ठीक है, बिगोनिया के प्लांट भी आपके 2 टाइम्स पूछा गया है ठीक है, तो बिगोनिया भी एग्जाम्पल फिलहाल है। देन आपका जो बुलबिल्स है ठीक है बेटा, बुलबिल्स ये आपके
पूछा गया बहुत बार पूछा गया एमसीक्यू में, ठीक है अगर से कुछ और होंगे तो चार तीन चार मिल जाएंगे आपको। अगेन बुलबुल के एग्जाम्पल क्या होता है, अगेन एक क्वेश्चन आता है बेटा केरल ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, वो इधर केरल ऑफ बंगाल किस प्लांट को हम कहते हैं, तो केरल ऑफ बंगाल बेटा कहते हैं हम अकॉर्निया क्रेसिपा, अकॉर्निया क्रेसिपा कहते हैं जिसे बेटा ये आपका ऑफसेट प्लांट है, मैंने बताया ना ये ऑफसेट प्लांट होता है, ये जिस तालाब में जिस पॉन्ड में या जिस प्लेस पे अगर ये ग्रो हो जाते हैं, ठीक है तो उसके अंदर का जो पार्ट होता है मतलब अंडरग्राउंड की जो एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट होते हैं वो क्या होता है डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, कहने का पूरा पॉन्ड कैसा हो जाएगा एकदम सूख जाएगा, ठीक है क्योंकि ये इनके जो ये ऊपर पानी के ऊपर पूरा कैसे होते हैं फैल जाएंगे और फैल जाएंगे तो इसका जो फोटोसिंथेसिस होगा अंदर जा नहीं पाएगा, ये ऊपर ही रोक लेंगे, ठीक है इसके कारण ये क्या होता है अंदर से जो प्लांट जो चल रहे थे डिस्ट्रॉय है, ठीक है। तो आपका ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम देखेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके बेटा थैंक यू सर।